भाई चल बे चल कौन रोता ओके लास्ट नाइट विद सुजैन एक मिनट अक्षरा प्लीज बी क्वाइट ओके सुजैन आस्क व्हाट यू वांट टू आस्क पूछते हैं बिकॉज़ मुझे पता है तो मैं पूछूंगी ओके करके व्हाट वाज एंड जेन्युइन ऑनेस्ट आंसर ठीक है व्हाट वाज द फर्स्ट व्हेन यू मेट मी मुझे बहुत खूबसूरत भी लगे थे कैमरे में आप ऐसे आपकी ब्यूटी अच्छी नहीं लगती मुझे ट्रेलर में आपकी देख के सच में मुझे आप बहुत ज्यादा अच्छी लगी मैं तारीफ आते ही मैंने की तो बहुत अच्छी नेचर ओके ओके प्लीज शॉर्ट नेक्स्ट तुम बताओ मैं बताऊँ कब से मेरा आपको यकीन करे हक करने का दिल कर रहा है बट मेरे में कॉन्फिडेंट नहीं मुझे आप इतनी अच्छी लगी इतनी ज्यादा गो एंड हग कैप्चर दिस मोमेंट कुछ है आपकी शी इज टू गुड बाय हार्ट हाँ तो फिर मैं जैसा सोची थी वैसी निकली क्योंकि मेरी से काफी अच्छी बात होती रहती थी ऑन एंड ऑफ कॉल्स वगैरह एंड मैं अपने टाइपो टाइप वाली बंदी से बात करती हूँ अदरवाइज तुम लोगों ने मेरा एटीट्यूड देखा है फुल गुंडा कर दी तो वो उसके साथ मेरी बहुत अच्छी बनती है दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे बैठी हुई भी हूँ जेन्युइनली ना कराची में भी जितनी शादियाँ होती मैं उनको नहीं मुंह लगाती यहाँ पे तो अच्छा तू सुजैन को कब से जानती है बता मैं तो इट्स नॉट लॉन्ग स्टोरी ऐसा नहीं बहुत कितना 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 साल भी नहीं हुआ साल भी नहीं हुआ महीने हुए नाउ कमिंग टू मी नाउ माय टर्न ओके अब मेरा क्या सीन है देखो तुम पहले देखो मैं सही आ रही हूँ अब मेरा क्या सीन है कि मैं सुजैन को हफ्ता पहले मैसेज कर रही हूँ कि मैंने ब्रांड लॉन्च किया है और मैं तुम्हें पीआर भेजना चाह रही हूँ एंड इसने मुझे क्या मैसेज किया पहली बात अस्सलाम वालेकुम दूसरी बात बहुत सुंदर हो आप और पता नहीं तीसरी बात इसने मुझे क्या लिखी और मुझे फॉलो कर लिया और थोड़ी देर बाद बोल रही है मेरी शादी है इस पर ज़रूर आना यार मतलब सीरियसली और आई वॉज लाइक अपनी बहनों को कह रही हूँ यार आई डोंट इवन नो हर एंड शी इज इनवाइटिंग मी एट हर मैरिज तो मुझे इतनी प्यारी लगी प्यारी पहले भी लगती थी मेरे हस्बैंड इसको बहुत ज़्यादा देखते थे और जब इसने ये इस तरह से इनवाइट किया यार मैं कभी मुल्तान में होते अपने फ्रेंड्स की शादी पे नहीं जाती लेकिन मैं नहीं कर सकी मैंने बहनों को बोला यार जाना है वो इतने प्यार से बुला रही है तो जाना है इसके साथ मेरी इस तरह से हुई इसकी शादी के इनविटेशन से पहले मैं लाहौर में थी मगर मैं इससे मिली नहीं थी एक हफ्ता हो गया था ये शायद दुबई में थी और मैं तब भी इससे नहीं मिली थी मुझे पता भी नहीं था कि लाहौर की है जब मैं लाहौर से भागी तो इसने मुझे गालियां दी कि तुम लाहौर थी तुमने बताया नहीं मैंने कहा मुझे पता नहीं तुम यहाँ की हो यार एक्सप्रेशंस इतने टाइट देती है क्योंकि मेरा भी गेम सारा एक्सप्रेशंस का है तो फिर एक्सप्रेशंस तो वही बंदी के मैं कहती हूँ अच्छा अभी फिर मैंने जब मैं तो काफी टाइम से इंस्टाग्राम पे फॉलो करी थी फिर मैंने इसके बीच में वीडियोस देखी थी कुछ डिप्रेशन से रिलेटेड और ये वो हाँ। मुझे भी आइडिया हो गया था कि शी इज सफरिंग फ्रॉम समथिंग तो अब खैर कभी पूछा नहीं एंड समहाउ टू बी वेरी ऑनेस्ट समहाउ इसकी मेंटली कंडीशन एंड वो पर्सनल मैटर्स वाला सीन मुझसे बहुत ज्यादा रिलेट करता है एक्सट्रीम रिलेट करता है तो वो भी अभी तेरे साथ भी हो रहा है मेरे साथ अच्छा तेरे साथ भी हो रहा है हां मेरे साथ तो ये वाला सीन बहुत एनीहाउ ऑल एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट She is only she's a not sweet my friend. Heart. To be very she's honest, मैं इसको अपनी बहनों से बड़े के मानती हूँ exactly. अपनी बहन को मैं कॉल नहीं करती थी नहीं जानती but मैं कल भी बहनों से कह रही थी कि she is a sweetheart. totally agree. और जब यहाँ पे इसको इसका first impression बताया ना वैसे मैं इसको एक हिदायत दूंगी बहन मुझे पता है तू बहुत सारी मिठाइयाँ लेके बैठी हुई है लेकिन इतनी नहीं बांटा करके लोग रोटियां करते फिर तुझ पे बहुत ज्यादा मीठा होना भी अच्छा नहीं है और बहुत ज्यादा कड़वा होना भी मतलब व्हेन यू मेट सुजैन एंड व्हाट वाज योर फर्स्ट एक्सप्रेशन मैं सुजैन से मिली मुझे लगा ये बहुत अकड़ू सी होगी एटीट्यूड होगा बाकी इतनी क्यूट थी ना ये इतने इतने मज़े से ट्यूटोरियल बनवाया उसके बाद हमें चॉकलेट्स भी दी इसने हमसे बातें की और शी सो नाइस मुझे एटीट्यूड वाली ये कभी नहीं लगी थी मुझे हमेशा से बड़ी स्वीट और इनोसेंट लोगों को लगता है कि है और अच्छा तो अलग ही वाइब मेरी बहन को तो जब पता चला मैं उस मुझे सुनो सुनो मेरी बहन को जब पता चला ना कि मैं उस सुजैन के पास जा रही हूँ जो कि नाक का वैक्स करती है ओह ओह अच्छा जहाँ इतनी बातें हो रही हैं ओके ओके
कीप क्वाइट. सुजैन मैं ना एक बात पूछना चाहती हूँ, वो वाला एक दफा जरा करके दिखाओ जो तुम अपना ट्यूटोरियल में सलाम करती हो. हेलो वाला, हेलो कैसे हो आप सब. आई नो, तुम अब ये बताओ कि तुम उस पे वॉइस चेंजर लगाती हो या उसको फास्ट कर देती हो, क्या करती हो? समटाइम्स वैसे तो मैं नॉर्मली रखती हूं, लेकिन समटाइम्स व्हेन द वीडियो इज वेरी लाइक लॉन्ग तो आई डू इट सो दैट एंटरटेनिंग एंड सारी बात कंप्लीट हो सके. मैं तो वो उसको फास्ट कर देती हूं, तब करती हूं, लेकिन वो बड़ा क्यूट लगता है. हेलो कैसे हो आप, आपका फर्स्ट इंप्रेशन? हां मुझे तो शायरी याद है. अच्छा अब क्या रह गया? मैं बोलूंगा सबसे अच्छी चीज ये है कि ये जैसी भी हो ना अंदर से, ये बाहर इतनी हैप्पी होती है कि सबकी वाइब भी अच्छी कर देती है, उस जगह की वाइब भी स्वीट कर देती है. ये चीज इसकी सबसे बेस्ट है. गुड हो गया. ओके आयत, नाउ योर टर्न. चलो जी, सारा दिन तो तू ऐसे व्लॉग बना रही होती है, पूरी व्लॉगर बनी होती है, अब तुझे शर्म आ रही है? आपको देख के तो शर्म आ रही है. प्रपोज करना है तूने? बता दो एक इंप्रेशन. गाइस यहां पे फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ सुजैन बताया जा रहा है, उसके ड्रामे खत्म नहीं होंगे. ठीक है, हां बोल जल्दी बोल शायरी. आपको देख के आपकी तकदीर बता दूंगी. वाह यार, नहीं कैसे करके करूंगा, बोल दूंगी. इसका पार्ट ना तू ही ऐड कर दी, मेरी इतनी स्पेस नहीं. व्हाट इज दिस बिहेवियर पूजा, वाकई में बिग बॉस हाउस वाली फीलिंग आ रही है यहां पे. झूठ बोलना मना. अच्छा भाई अब ओके, सच सच बताना है. सुजैन से जब मेरी बात हुई थी तो मुझे अच्छी लगी थी, लेकिन फिर जब सुजैन के बारे में मैंने कुछ लोगों से सुना तो मैं भी जब इंसान को सुनता है तो उस तरफ थोड़ा कन्वर्ट हो जाता है. मैं जानना चाहती हूँ क्या सुना था. मैं नहीं जानना चाहती कि किसने बोला, जिस मोटर को क्या सुना था. ये सुना था कि वो बुलाकर जो है ना ये करवाती है वो करवाती है, वो अच्छा बिहेव नहीं करती, अच्छा नहीं होता, और जो है ना मतलब ये सारी चीजें मैंने सुनी. मैंने बोला अच्छा ठीक है, मैंने कहा ऐसा है तो मैं डर गई. मैंने कहा यार मैं तो फिर बिल्कुल मैंने कहा फिर तो मुझे स्पेस रखना चाहिए. फिर मैंने भी दो चार लगा के इसकी बातें कर दी. मैंने को उससे मेरी ये बात हुई थी, ये उसने ये बिल्कुल सही मौका है. मैंने भी लगा दी, मजा आ रहा था बातें करने में जरा सा. तो फिर उसके बाद जो है सीन कुछ यूं हुआ, फिर मैंने एक और बंदे से सुन लिया बात. मैंने बोला यार फिर मेरा दिल खराब हो, मेरा हां कट इट शॉर्ट, बीट में मेरा दिल सही नहीं जा रही है. जब अभी आगे की सुन लो ना, मुंह तोड़ दूंगी मैं. फिर मैं सही हो गई, मैं सही बातें करने लगी. पता है मेरी अम्मा बोलती हैं कि जब भी आप किसी को खुद से देखकर या खुद से करके वो नहीं करते ना, किसी की बातों पर ट्रस्ट करने की आपको जरूरत नहीं है, आपको खुद से वो करना चाहिए. अच्छा मेरा कोई मूड नहीं था शादी में आने का, लेकिन सुजैन ने मुझे इतने मैसेज करे, ऊपर से कॉल, और फिर सबसे बड़ी बात मेरी मम्मा का नंबर लिया और मेरी मम्मा को कॉल करी. मेरी अम्मा ने कहा नहीं जाना है ना, फिर मम्मा की एंड टाइम पे तबीयत भी खराब हो गई, हम नहीं आ रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने कहा जब आपका मूड बन गया चलें अब चलते ही हैं. लेकिन जब मैं यहाँ आई तो मतलब मैं ये कहती हूँ कि मतलब सुजैन जैसी बंदी मैंने कही नहीं. क्लैप 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 क्लैप. और मेरी लाइफ में मैं कहती हूँ, मैंने जो भी बातें सुनी है, मैं कहती हूँ कि कोई भी अपने दोस्तों के साथ इतना मुखलिस नहीं होता है. मैं बोलती हूँ पैसे तो ये सब सुजैन की तारीफ करने के लिए दिए थे, आगे बोलती हूँ. मैं बोलती हूँ कि जान भी ले लो, मैं भी इस तरह की हूँ. लेकिन बहुत सी ऐसी बातें जो मेरे बीच की, जो कि हम सुजैन से रिलेटेड कर रहे थे, हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे यार मुस्कान अगर ऐसे हमारे पास ये हो तो हम ये करेंगे नहीं करेंगे, या मतलब हम लोग इस ये बात कर रही थी कि आई नो सम ऑफ द पीपल हु गेट रिच अबे दे आर लाइक आंखें यहाँ. आई नो सम ऑफ द पीपल हु आर सो इंडिपेंडेंट एंड आई नो हाउ दे ट्रीट अस. ठीक है, मैं खुद इन लोगों के साथ रहती हूँ. ठीक है, मॉर्निंग नो इंग्लिश, नो मॉर्निंग का टाइम. ठीक है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, देखो हम सब एक कैपेबल बंदा बनना चाहता है. जब मैं इससे मिली आई हैव जीरो आइडिया दैट शी इज दिस मच कैपेबल, क्योंकि इसका एटीट्यूड ही कुछ नहीं था, ईगो ही नहीं थी. तो मैंने कहा अभी ये सारी सड़क छाप लगती है बे. लेकिन जब मैं मिली मैंने कहा है क्या नहीं है, ये नहीं वो नहीं है, ये लड़ाइयाँ बड़ा से इतना मैंने उसको सुनाया बड़ा से निकाल ली. अच्छा फिर भी कश्यप मुझे तुझसे मिलना है, मैं आऊंगी तुझसे जैसे भी करके मिलना आऊंगी, मैं आऊंगी. और बंदी लेकिन आई रात में आई मिलने के, जबकि मैं इस पे इतना हाइपर हो चुकी थी. अगर मैं होती मिलती के साथ व्लॉग बना रही है, सबसे पता मसला क्या, आप बीप साउंड साइड पे रखना ही. दोस्ती खत्म नहीं कर देती. स्वीट, आई लव यू सो मच, आई लव यू.
रो रही है, चल चल इतना इमोशनल नहीं होना, अंशरा भी रोली, चल बे चल कौन रोता है, मैं आंसू है झूठी, इसको जूम कर जूम कर, इधर देख ले आंखों में आंसू है, पलके लगाएंगे उसे, नहीं रहेगी दो तीन तो झड़ जाएंगी ना अगर ऐसा करेगी। थैंक यू बहुत तारीफ के लिए, दफा हो जाओ। इसको देख तारीफें करा के कह रही दहा हो जाए यहाँ से, बोर हो गई बहुत ज्यादा। वैसे मैंने कितनी ऑनेस्टी से बता रहा, मैंने भी मिर्च लगा के बातें की थी तेरी, थैंक यू यार, जेन्युइनली थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, इट मींस अ लॉट टू मी, थैंक यू। चल भाग गो एंड स्लीप, तेरी बारात है लड़की, और रात 3 बजे तक तेरा शूट 4 बजे तक चलना है, चुड़ैल आ रही है, पोज लूंगी फिर कहेगी मेरे आड़े तेरे पोज ली जा रही है। सबसे अच्छा वो फोटो है कश्यप मुस्कान का, जैसे वैसे बैठा है तो अपना नॉर्मल फेस रख लगेगा, बिच्छी होने कह रही तू बस ऐसे ही रहे, तू वाकई लग रही है। चल उसको उठा के इस बेड पे शिफ्ट करो, तू जाएंगे तो यार उसको सुलाओ। मैं तुमको एक बात बताऊं, बिग बॉस वाला करते हैं, मेरा दिल चाहता है, मेरा भी दिल कर रहा है, बिग बॉस कैमरा लगा देते, देखो तुम दोनों कुछ नहीं कर, तुम्हें चल कर सबको तब से करें 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 डन करते हैं, करें ना, क्या स्टार्टिंग क्या है बताओ, तो स्टार्टिंग क्या है यार, इसको सुलाओ यार। बिग बॉस मैंने बिग बॉस का ही किया था, आप लोग सब लड़ते रहो, तेरी माँ का तेरी बहन का यही होता रहे।